आज हम आपको फॉर्चून कच्ची घानी सरसों तेल के रेट के बारे में बताने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं, ये फॉर्चून कच्ची घानी का सरसों तेल है, इसके रेट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, होलसेल में इसका क्या रेट चल रहा है, और धारा कच्ची घानी का जो टीना आता है सरसों तेल का, उसके रेट के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, ये फॉर्चून कच्ची घानी का टीना है, तो इसका होलसेल रेट रिटेल रेट दोनों हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सरसों तेल में फिर से मंदी आना शुरू हो चुका है, तो आज हम आपको सरसों तेल के रेट के बारे में बताएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको फॉर्चून कंपनी का कच्ची घानी सरसों तेल के रेट के बारे में बताने वाले हैं और धारा कंपनी का कच्ची घानी सरसों तेल के रेट के बारे में बताने वाले हैं। तो सरसों तेल में काफ़ी ज़्यादा जो रेट है वो गिर रहा है, रोज़ का जो है एक लीटर, एक रुपया लीटर, दो रुपया लीटर जो रेट है वो लगातार डाउन हो रहा है। काफ़ी सारा प्रोडक्ट में जो है रेट वो डाउन हो रहा है, जैसे चीनी में, मैदा में भी, चीनी में भी 100 रुपये कुंटल में रेट जो है वो डाउन हुआ है, मैदा में भी लगभग 80 से 100 रुपये कुंटल में जो रेट है वो डाउन हुआ है, सरसों तेल में भी एक रुपया डेढ़ रुपया लीटर जो है वो लगातार रेट जो वो डाउन हो रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, अली स्टोर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं और आपको फॉर्चून कंपनी का होलसेल रेट, कच्ची घानी का जो टीना आता है उसका होलसेल रेट, रिटेल रेट सारा इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चीनी में, मैदा में, तेल में, सोया में, या फॉर्चून का कोई भी प्रोडक्ट में, फॉर्चून सोया का कोई भी प्रोडक्ट जो आता है, जैसे फॉर्चून सोया हेल्थ हो गया, फॉर्चून कंपनी का कच्ची घानी का तेल हो गया, किसी भी, या पामोलिन में, हर एक चीज़ में जो है रेट वो डाउन हो रहा है, चीनी में, मैदा में, हर एक चीज़ में जो रेट है लगातार मंदी, हर एक प्रोडक्ट में लगातार जो चीज़ का ज़्यादा रेट बढ़ चुका था वो जो रेट है वो लगातार डाउन हो रहा है। तो अभी जो है मंदी अभी रहेगा, क्योंकि लगातार जो है रेट वो डाउन हो रहा है। तो पहले चलिए हम आपको टीना दिखाकर आपको रेट बताते हैं कि किस वजन का क्या दाम चल रहा है। तो फॉर्चून कंपनी का कच्ची घानी का सरसों तेल का टीना है, तो इसका वज़न का बात करेंगे, यहाँ पे देखिए, तो इसमें जो है 15 केजी वज़न आता है, ये केजी में रहता है, टीना का वज़न छोड़ के इसमें 15 केजी तेल है, और इसका एमआरपी का बात करेंगे तो 2340 रुपया। तो होलसेल में 5 टीना से लेकर 50 टीना, 100 टीना का जो रेट है वो 1920 रुपया, 1910 रुपया का है। अगर कोई एक टीना लेता है या एक टीना लेता है तो रिटेल में, तो उसका जो रेट है वो आपको 1970 रुपया, 1980 रुपये का रेट रिटेल में पड़ता है। तो एक लीटर का जो कीमत है, यहाँ पे कंपनी बता रहा है एक रुपये का, एक लीटर का रेट जो है वो लगभग 156 रुपया पड़ता है। तो नहीं, आपको एक रुपये का जो एक लीटर का जो तेल है वो आपको 131 या 32 रुपया लीटर इसमें खरीदारी पड़ा। और इसको वज़न करके हम काटा पे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखें 15 केजी 874 ग्राम, यानी टीना का वज़न छोड़ के इसमें 15 केजी तेल है। ये फॉर्चून कंपनी का टीना हो गया। अब हम आपको धारा का बताने वाले हैं, ये देखिए धारा का है, धारा कंपनी का, तो इसमें 15 लीटर तेल आता है, कच्ची घानी का तेल है। तो इसमें वज़न का बात करेंगे तो 13 केजी 650 ग्राम इसमें तेल है, 13 केजी 650 ग्राम राइट वज़न। इसको वज़न करके हम आपको दिखाते हैं, देखिए 14 केजी 570 ग्राम टीना समेत हो गया, तो एक केजी टीना काटेंगे तो 13 केजी 650 ग्राम इसमें तेल निकलेगा। तो इसका एमआरपी जो है 2400 रुपये एमआरपी है, देख सकते हैं, और ये लीटर में जो रेट बता रहा है 160 रुपये लीटर का रेट बता रहा है, ये मिनिमम रेट है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, लेकिन इसका जो रेट है वो कम है। तो होलसेल में 10 टीना से 50 टीना तक जो है, 5 टीना 10 टीना होलसेल में, या 100 टीना तक का जो रेट है वो 1810 रुपया, 1820 रुपये का रेट है होलसेल में। और रिटेल का बात करेंगे तो रिटेल में ये 1850 रुपया रिटेल में एक टीना बिकता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी का तेल आता है। तो अभी जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ में जो है रेट लगातार डाउन हो रहा है, जैसे चीनी में, जीरा में, प्याज में, और मैदा में, या फॉर्चून में, फॉर्चून सोया में, या पामोलिन में, सब चीज़ में जो लगातार अभी रेट जो है वो डाउन हो रहा है। तो अली स्टोर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।